बढ़िया जाएंगे चाचू को गाड़ी में बिठा के। हाँ गाँव से आ गए। हाँ। बड़ा सैड सा फील होता है जब भी कुछ जाते हैं तो। दस रुपए के सवा किलो जा रहे हैं टमाटर। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग। शाम के अभी तकरीबन 4:05 हो रहे हैं। जस्ट अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग आपके सामने। सुबह की शुरुआत सेम ही थी, सुबह उठना, घर की साफ सफाई करना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, नाश्ता बनाना, जोशी जी को ऑफिस भेजना, रसोई की साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना, उसका ब्लॉग वगैरह एडिट करके जस्ट अभी मैं हुई हूँ फ्री। और अभी मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए इंस्टा पे रील्स। और अभी के बाद जो भी होता रहेगा शाम भर में आपको दिखाती रहूंगी ब्लॉग में, तो बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। फेस के आगे रिंगलाइट जलाने के बाद ना ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन सा नूर आ गया मेरे चेहरे पर, एकदम से इतनी गोरी गोरी सी लगने लग जाती हूँ मैं। तो अभी जोशी जी भी आ गए हैं ऑफिस से, अभी जल्दी आ गए हैं, 4:30 ही हो रहे हैं अभी, तो जल्दी आ गए आज। और फिलहाल गए हुए हैं मुँह धोने के लिए वॉशरूम में, जैसे आते हैं फिर आपसे मिलवाती हूँ। गुड इवनिंग जोशी जी। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? बढ़िया। ऑफिस में दिन कैसा रहा आपका? ठीक रहा। आज जल्दी आ गए। अब जोशी जल्दी आ गए तो मैं सोची थोड़ा सा घर का जो काम वाम रहता है वो निपटा आते हैं। आटा पिसवाना क्या हो रही है, गेहूँ पिसवाने हैं तो साफ वगैरह किए हुए हैं तो वो देने हैं चक्की पे, तो उसके लिए हम अभी जा रहे हैं। और कूलर में घास भी लगानी है, अगर हमें वो मिल गई तो वो भी ले आएंगे आते आते। एक दो चीज़ें और भी लेनी है, घर का काम आपको पता चलता ही रहता है। बस मेरे को होता है ये घर पर आ गए टाइम पर, स्कूटी घर पर आ गई तो कुछ काम निपटा लिए जाए। चले चलो चलते हैं। गेहूँ की बोरी रखनी है आगे स्कूटी पे, दरवाज़ा बंद करना तो भूल ही गए हम। ये भी कलाकारी है। घर से निकल गए हैं अभी हम, धूप अभी भी हो रही है, कोई नहीं दिखाई दे रहा, सब लोग सो रहे हैं अभी अपने अपने घरों में आराम से। पहुंच चुके हैं चक्की पे, यहाँ पे तोल किया जा रहा है। कब तक मिल जाएगा अंकल जी? 6 बजे तक मिल जाएगा। 6 बजे तक गेहूँ रखा है हम चक्की पे पिसवाने के लिए, और अभी हम जा रहे हैं कूलर की घास देखने के लिए। आपके वहाँ पे क्या रेट है इस घास का बताइएगा जरा, हमारे यहाँ पे 140 की है ये। गेहूँ रख दिया चक्की पे पिसवाने के लिए और कूलर की घास भी ले ली है अभी, तो चलो चलते हैं घर की तरफ वापस। धूप हो रही है अभी, दुकानें आधी से ज़्यादा तो बंद ही हैं, कुछ भी नहीं खुला हुआ, सब बंद ही है यहाँ पे, शाम को खुलेंगी सब दुकानें। जोशी जी से बोला मैंने अभी परांठे बना दो, रोटी बना दो, क्या खाना पसंद करोगे, चावल खाना पसंद करोगे तो नमकीन चावल बना देती हूँ। कह रहे नहीं पोहा खाने का मन हो रहा तो पोहा बना लो। अभी यहाँ पर पोहा बनाने की तैयारी चल रही है। पोहा निकाल लिया है, थोड़े से पीनट निकाल लिए हैं, बारीक बारीक आलू यहाँ पर काट लिए हैं। तो अभी मैं पोहा बना रही हूँ, इसको मैं मिनी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि दो दो चीज़ें एक साथ बना पाना मुश्किल हो जाता है। तो फटाफट से पोहा बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। जी हमारा गर्मा गर्म पोहा हो चुका है तैयार, चाहे टमाटो सॉस के साथ खाओ इसे, चाहे खाओ नमकीन के साथ। जोशी जी लगे हुए हैं यहाँ फ़ोन पर, देखिए टेस्ट करके कैसा बना है। ट्रेन ट्रेन बढ़िया, सही है, नमक मिर्च मसाला सब ओके। चावल की तरह है, ठीक है, ले लो। पोहा सच में बहुत लाजवाब बना था। मिनी ब्लॉग में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी तो आप लोग जरूर रेसिपी को देखना और अपने घर पे भी ट्राई करना। इजी वे में बनता है, जल्दी बनता है, खाने में टेस्टी बनता है। तो अभी जोशी जी नहाने के लिए गए हुए हैं, तैयार हो रहे हैं क्योंकि महाराज जी ने एक बार फिर से जाना है अपनी साइट पर। तो अभी तक तो मुझे नहीं था पता, अचानक से इनका जाने का प्रोग्राम बनता है तो अभी इनको कॉल आया है। तो अभी पहले तो एक दो दिन के लिए जा रहे थे लेकिन आज कुछ ज़्यादा टाइम के लिए जाने वाले हैं, तो नहा धोकर फिर अभी पैकिंग करेंगे। तो इनका जाना मुझे बड़ा ऐसा लगता है, अब काम है, काम भी ज़रूरी है करना, काम है तो सब कुछ है, बिना काम के इंसान है ही क्या, क्या करे, ज़िंदगी ऐसी है। दादी दादी बस ये शाम तो दादी दादी लगता रहेगा दिन भर दादी। होना क्या दादी चाहिए, एक मिनट भी दादी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो जाती है लड़के को जिंदगी में। यहाँ पर जोशी जी के सामान की पैकिंग की जा रही, कैसे रख रहे हो उल्टा सीधा करके? यार अब रख रहा हूँ ना। पैकिंग हो रही है, साथ साथ में ओला बुक हो रही है। ओला नहीं क्या उबर, उबर ही करता हूँ, ओला नहीं करता।
ऊबर करते हैं, ओला नहीं करते। ये बैग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम चुका है, हर जगह यही जाता है, क्योंकि सिंगल के लिए सही है ना, ये छोटा है, सामान पूरा पूरा हो जाता है। फिर चाचू में एनर्जी आ जाएगी ना काम करने की, चाचू काम में जा रहे हैं ना। मैं तो लो लो। फिर चाचू कितने दिन बाद मिलेंगे, चाचू काम पे जा रहे हैं, ऐसे करता है सब समझ जा रहा है। और बताओ है, है? सारे बिस्तरे का क्या कर दिया, मैं सुबह सुबह बिस्तरा सेट करती हूँ, चाचा भतीजा दोनों मिलके फिर बराबर कर देंगे। जीभ देखना कैसे निकाल रहा है। मैं खाऊंगा इसको क्यों दे ले हो? छीनता ऐसे है ना ये। क्या बस चीजी मिल गई बाहर? हाँ चीजी मिलती, दादी पास जाना है फिर। जान बाबू चाचू जा ले ना, हम चाचू को मिस कर लेंगे ना, चाचू जा ले ना जॉब पे, हैं हैं चाचू को बाय बाय करोगे, बाहर तक चलोगे बाय बाय करने? हाँ ओला वाले भैया आ गए ना, ऊबर वाले भैया आ गए, अभी लेके जाएंगे चाचू को गाड़ी में बिठा के। हाँ हम चलेंगे बाहर, ठीक है, बाय बाय करके आएंगे चाचू को, ठीक है। आप चाचू को मिस करोगे? हाँ हर चीज में हाँ हाँ। अच्छा दादी नहीं गई, बस दादी तो दिखनी चाहिए, इतने में लड़का भागने लग जाता है, टायर लग जाते हैं इसके पैरों में। चलो दादी को बुलाया, बिना चप्पल के आ गया, देख लड़का भाग के। ओए लव लवी तुम कहाँ से आए, गांव से आ गए? कब आए? रात को। कल्ला गए थे? कैसा रहा गांव में सफर? बहुत गंदा। गंदा क्यों, खेतों में गए थे? बहुत गंदा लगा। काम करा खेतों में? अच्छा बैठ के भी बोर हो गए? आपने क्या कहा था? मैंने सारी जो लकड़ियाँ खड़ी रहती है ना, हाँ खेतों में जो लकड़ियाँ खड़ी रहती है डंडी से, तो ना हमारे गन्ने का गन्ने गो माता की। अभी और मेरी मैचिंग हो गई है ना। हाँ येलो आप ब्लैक पहन के घूम लो। आज मम्मी कहाँ? मम्मी घर पे है। क्या कर लिया मम्मी घर पे? मम्मी तेरी हमेशा लोअर कमीज में रहेगी, फिर कहेगी मेरी वीडियो मत बनाना। आजा कुछ को ऊबर में बिठा के बिंदर आ गई हूँ मैं। कुछ को जैसे छोड़ने के लिए गई, आंखें तो नम थी, बुरा तो लग ही रहा था, इतने में लव और लवी ने आके पीछे से एकदम से हक किया, तो ऐसे लगा जैसे भोलेनाथ है। मतलब ऐसे होता ना कि अकेला से फील होगा, कैसे रहूँगी, मन नहीं लगता अकेले में, तो इतने में लव लवी आ गए हैं, दीदी आ गए, अभी उनसे मिल के आई हूँ, बाहर बैठे हैं सभी लोग। तो आपने ब्लॉग में देखा भी था कुछ, और मैं वो घास लेकर आए थे कूलर में लगाने वाली, तो दीदी कह रहे हैं आजा बाहर, अभी सब लोग मिलके लगा लेते हैं, तेरा मन भी थोड़ा वैसे हो जाएगा। उनको पता है मेरे को बड़ा सैड सा फील होता है जब भी कुछ जाते हैं, तो होता ही है यार, पार्टनर है, चाहे मैं हमेशा ही बोलती हूँ चाहे लड़ो मरो कुछ भी करो, लेकिन साथ में होने चाहिए। जब ये घर में नहीं होते ना, घर खाने को आता है मुझे, मैं बहुत मिस करती हूँ इनको। ये तार है, इसको बारीक बारीक काट कर इसमें लगाया जा रहा है। अरे वाह क्या बात है, तारे काटने के लिए कॉन्टेक्ट करे। ये नहीं, ये प्लास अच्छा है, प्लास से बढ़िया हो रहा है, थोड़ा बड़ा। सही है। लगाया
तो कौन करता है? हम लगा सके तू मुझे लगा सका नहीं है? अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया। जब तक काम करो ना तब तक ऐसे ही लगता है। वो दादी मारेंगे ना दादी। ये बालों में लगाने वाला क्लिप सा बना लो पहले। हाँ बेटा है ना मम्मी। तो उसके बाद इसको ऐसे चुभा दो बस, फिर इसको ऐसे से बंद कर दो बस। हाँ 2 मिनट का तो होता है। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, बस हो गया। मैं 100-100 की चीजें याद आती हूँ क्या? कैसा लग रहा है? देखो पूरा इस एक साइड तो लग चुका है, पूरा में लगा दी एक साइड में। हाँ पहले ऐसे क्लिप बनाना है इसको, ऐसे वी शेप में। उसके बाद उसके बाद इसको डाल दीजिए तिरछी शेप में। मेरे को दिख भी तो नहीं रहा, आगे से कुछ और लग रहा है, पीछे से कुछ और हो जा रहा है। डन 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 सभी पे लगा दिया। देखना इस लड़के को कैंची चोर। गंदी बात बेटा, चोट लग जाएगी। नो 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 नो। ये काम डन होते ही यहाँ पर बारिश आनी शुरू हो चुकी है। स्कूटी भी बाहर खड़ी करके थी, लेकिन आज लेके आना मुश्किल है। गेहूँ खींच तो चुकी होगी वैसे। बादल गरज रहे गंदे वाले भाई साहब। तो दोस्तों लाइट जा चुकी है, स्कूटी बंद कर रहे हैं। हाँ जी बारिश को भी आ गई होना चाहिए। तो तुम आ जाए तो बारिश भी तो आज ही आएगी। बारिश कब आएगी? भोलेनाथ ने एसी ऑन कर दिया बाहर है। एसी ऑन हो गया भैया भोलेनाथ का। बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। बहुत तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। मैया अपनी बेटी का ख्याल रखना, मैया अपनी बेटी का ख्याल रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, मैया अटल माँ मेरा सुहाग रखना। मैंने लाल लाल बिंदिया मंगवाई है और माथे पे अपने सजाई है। इस बिंदिया की सदा चमकार रखना, बिंदिया की सदा चमकार रखना, अटल माँ मेरा सुहाग रखना, मैया अटल माँ मेरा सुहाग रखना। दिल्ली जोशी जी का वेट करते करते मेरा रात का खाना लेट हो जाता है, लेकिन आज खाना टाइम पे बन ही चुका है। तो फिर गर्म गर्म रोटी भी टाइम पे बना के खा ही ली जाए। आलू और काले चने की थोड़ी सी सब्जी बनाई है क्योंकि हम 3 ही जने हैं अभी घर में। दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, क्या करूं, सोना सोना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे बतला जा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। बाहर बारिश हो रही है और अंदर गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, अंदर हुम्मस सी है। ये देखो लड़की मच्छर मारने में लगी है, इसको मजा आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे डिनर करने लगी हूँ। इनको मच्छर मारने दो, मेरा काम है। मच्छर मारना काम है आपका? हाँ। नहीं खाना क्यों नहीं खा रहे? मच्छर तो मारो, मैं खिला देती हूँ, मच्छर मारते रहो। नहीं मैं लंच टाइम नहीं हुआ अभी। लंच टाइम नहीं होता, डिनर टाइम होता है। नहीं लंच टाइम नहीं हुआ। लो अब नहीं, अब नहीं, एक में ही हो गया बस। हो गया मेरा। पता नहीं अरे बच्चे इतने ड्रामे क्यों करते हैं खाना खाते समय, इतने नखरे कहाँ से लाते होंगे ये। क्या पता छोटे थे हमने भी किए हो, हमारे माँ बाप ने भी सहे हो ये नखरे। मच्छर कहाँ है? मच्छर कहाँ मेरे पाल रखे हैं क्या? मेरे पीछे पड़ी हुई रैकेट लेके मच्छर कहाँ है? ढूंढो ढूंढो कहाँ है मच्छर? कहाँ है? ढूंढूंगा
भारत में बस एक ही नाम गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा आज जय श्री राम बोलेगा। मेरे पे लग रहे सारे, बोलो ना भी जय श्री राम। जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। बस लवी, बस बस बस। रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं अभी। लव लवी और मैं आए हैं वॉक करने के लिए। इनकी रेस शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कौन जीता? लवी जीत गई। मैं लव हार गया, हार गया, थक गया हारने पे। लो हमने नमस्ते मामा जी। नमस्ते बाबू। कैसे हो? ठीक हो? आज तुमने टाइम पे खाना वाना खा लिया? वॉक करने के लिए आई हूँ। लव लवी साथ में है। अच्छा आ गए हैं? अच्छा कह रहे कल रात आए गांव से वापस। अच्छा रात आए थे। अच्छा मेरे को तो अभी मिले जब कुछ ठीक होता। मैं भी खा के आ गई बाहर को, पापा खाते हैं। तुम भी वॉक कर रही हो? हाँ मैं बाहर को, पापा से कहा, कह रहे मैंने नहीं जाना, मैंने कहा मैं वहाँ से एक जगह। अच्छा नानी को नमस्ते बोल दे लवी। नानी नमस्ते। लो नमस्ते बोल नानी को। नानी तत्ते। नानी तत्ते। बच्चरो बेटा, बच्चरो बच्चरो, ठीक ठाक हो? सब बढ़िया, मजे काट रहे हैं दोनों। मार्केट में आए हैं अभी हम सब्जी लेने के लिए। 10 रुपए पाव हरी हरी मिर्ची। इतनी सारी मिर्ची क्या करेंगे? अरे वो अंजलि मैम। अच्छा 20 की आधा किलो तोरी। तोरी 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 यार बहुत बात है। 15 की किलो। 10 का एक कदुआ। 100 रुपए किलो। सारे बढ़िया कुछ भैया सही था ना? बढ़िया किलो। 30 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। हाँ 10 का। कटा कटा हम 15 रुपए पाओ। 40 रुपए किलो करेला। आज हम सारा सामान आधा आधा किलो ले रहे हैं क्योंकि फिलहाल हम 3 ही जने घर में। सस्ते टमाटर 10 के 1.25 किलो। सस्ते हैं जी, 10 रुपए के 1.25 किलो जा रहे हैं टमाटर। 10 के 2, 30 के 2 किलो। फिर सब्जी लेकर घर वापस आ चुके हैं अभी हम। आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई मेरे को। मैं वॉक करके जैसे ही घर वापस आई वैसे ही अचानक से प्लान बन गया मार्केट जाने का, तो वहाँ पे भी इतना चलना होगा तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अभी। बाहर भले ही मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन घर के अंदर तो वही गर्मी है गंदे वाली। और अभी मैं यहाँ पे जो मूंगफली मैंने पोहे में डाली थी तली हुई, तो थोड़ी सी बचा ली थी हमने सुबह से, क्योंकि मैं तली हुई मूंगफली ना मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप ज़रूर ट्राई करके देखना, इसके ना छिलके बहुत आराम से उतर जाते हैं और खाने में ना थोड़ी जली जली सी अच्छी लगती है मेरे को, तो मैं थोड़ी ओवर तल ली थी ये। तो अभी इसको खाऊंगी, इसके साथ साथ आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगी क्योंकि आज मुझे टाइम ही नहीं मिला आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने का। अभी रात के तकरीबन 10:45 बज चुके हैं। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। रूम बहुत सोना सोना लग रहा है, कुछ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। जब से गए 7 से 8 बार मैं कॉल कर चुकी हूँ, मंडी से भी कॉल किया, अपने घर पहुँच के भी कॉल किया, तो अभी थोड़ा सा लगेगा। गंदी वाली फीलिंग है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और प्रे करना पुच्चू के लिए कि उनकी साइड अच्छी अच्छी जाए और जल्दी से अपना काम निपटा के अच्छे तरीके से घर वापस आ जाए अपनी पुच्चू के पास। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द कल की वीडियो में। आइए कुछ।